हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग ब्लॉग नहीं है, हो सकता हम ये ब्लॉग बनाते भी नहीं, पर क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन है सबके लिए, इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैसेज है कि अभी सब कुछ ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं सबके, तो मुझे लगा एक ब्लॉग बना कर डाल देना बेटर रहेगा। और अगर हम ब्लॉग बनाते हैं, लोग हमारे ब्लॉग देखते हैं, और ब्लॉग के थ्रू ही पता चलता है क्या कैसा अपडेट है। हमेशा हम जैसे अपडेट ही करते हैं, इधर काफ़ी दिनों से नहीं किए क्योंकि हमें थोड़ा सा, हम काफ़ी स्ट्रेस में थे, पूरी फैमिली स्ट्रेस में थी, पर अब सब ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था, पगो कारणों से हेल्थ इशूज़ था, और मतलब बहुत ही ज़्यादा था, मेजर था। तो आज हमने का मतलब 3-4 दिन हो गए पापा एडमिट हैं हॉस्पिटल में, भोपाल ही हमने बुला लिया था। पापा आए हुए थे और माही, क्योंकि ऑफिशियल भी देखा जाए तो इनको बीच बीच में कभी ऐसा होता है, अर्जेंट हो जाता है, तो दोनों चीज़ मैनेज कर हो सके। और माही माही जो कि सब चीज़ें काफ़ी इजीली और बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है, काफ़ी समझदार है, माही भी आई हुई साथ में। तो आगे जो भी है हम आपसे शेयर करते हैं कैसा है क्या है। ये सीरियस केस है, लेकिन हम आपको इसको एज अ सीरियस नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम सीरियस अब नहीं है, पहले बहुत सीरियस थे, डरे हुए थे, सच में पर कोई अब अपडेट भी नहीं थी हमारी। है ना हाँ, इसीलिए हमारी कोई अपडेट नहीं काफ़ी थी। ज़्यादा। पर अब हमने जो वाइब क्रिएट कर ली है तो वो एक माहौल ही अलग है, हम अपने पेशेंट से भी मिलवाते हैं, और पेशेंट हमारे पेशेंट नहीं लगेंगे क्योंकि वो ही हम यहाँ सांस आके ब्लॉग बनाओ तो उनके मोटिवेशन मोटिवेशनल है। और अच्छी बात है कि खुद को वेल पावर खुद की इतनी अच्छी है, खुद को पेशेंट नहीं मानना और फाइट कर जाना, जो भी आपकी हेल्थ इशू है उससे फाइट करना ही बहुत बड़ी बात होती है, वो भी इस एज में। ये हमारे हैं पेशेंट। मोबाइल चला रहे हैं। मोबाइल छीनो, मोबाइल छीनो, मोबाइल लो, ले ले लो माही, बिल्कुल लो मोबाइल लो। नहीं, मोबाइल नहीं अलाउ है अभी, एक घंटे पहले की अपडेट है गाइस, ओटी से निकला पेशेंट, एक घंटे पहले अपडेट डाल दी। हाँ कॉपीराइट गाना मतलब। अभी 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 रेस्ट करिए, है ना, अभी एनेस्थीसिया है तो उसका दर्द समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी देर बाद आएगा। और ये है, जब से आप आए हैं तो सोए नहीं हैं, हाँ, ये लगातार गलत फोन में चीज बात है। कर रहे हैं। आपने बोला ब्लॉग बनाओ तो हमने ब्लॉग बना दिया ब्लॉग के माध्यम से। मैंने नहीं, गलत है ये, माही सोने दी नहीं, कल ये सोए नहीं मामी, झूठ। कल आप बहुत सोए हैं, कल आप 8 बजे बल्कि आपके कमरे घर से राचे सो, से हम लोग नहीं सोए हैं। हाँ ये है, कल आप खराटे लेके सोए, वरना पता नहीं कभी नहीं सोते थे हाँ, मेडिसिन लेके। यूरिन टेस्ट के लिए जबरदस्ती उठा के भेजे हैं। हाँ उसमें भी सबको, जो भी नर्स आ रही, हाँ हाँ क्यों कर रहे हो, हाँ हाँ अब आप इतनी गहरी नींद में थे, रात यूरिन की सैंपल के क्या लिए कर गए हैं आप। सैंपल के लिए उसमें उठाना पड़ा है आपको। अभी थोड़ी देर बाद सोइए, आपका खाना भी आ गया है। अभी बाथरूम आपको में कुछ रखा था। बैठना मना है, कुछ देर तक आप बैठेंगे नहीं, रेस्ट करना है, पिलो लगाना मना है, और बाकी पापा अभी बिल्कुल ठीक हैं। पापा का मोटिव ब्लॉग बनाने का ये है कि पापा के चाहने वाले बहुत लोग हैं जिनका फ़ोन आ रहा है, तो हो सबके सकता है तो किसी का फ़ोन पिक कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो ब्लॉग सब देखते हैं, तो ब्लॉग के माध्यम से सब लोग पापा के हेल्थ का पता चल चल जाए, जाए। पापा बिल्कुल ठीक है ना। बहुत और जल्द, बहुत सारे शुभचिंतक फोन लगा रहे हैं हाँ हमें। फोन लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग फोन आ रहे हैं, तो अभी इतना बात करना भी सही नहीं है, वो तो जब हम इधर उधर होते हैं तो फोन ले लेते हैं। फोन इधर रखो माही अलमारी में, अब इनको सोने का टाइम है। हाँ खाना भी आ गया है, पापा का खाना आ गया है, पापा को आज दी जा रही है दलिया, हालांकि इनको लिक्विड अलाउड डाइट। सब कुछ है। अलाउ जो दलिया, ये रहा मूंग दाल दलिया, अच्छा है लेकिन अच्छा लगेगा, कल नमक भी खाए ज़्यादा थे ना, नमक कम देना। नमक ऑलरेडी कम रहता है। हाँ नमक कम देना, तो दलिया दे दूँ। बाकी अभी लाइट चालू रहने ना, एसी कम कर देते हैं। एसी तो ठीक है, एसी सही है। हाँ नहीं कूलिंग ज़्यादा जा रही है ना। हाँ टीवी देखना है, न्यूज़ लगा दें, कोई आस्था चैनल न्यूज़ लगा देते हैं, तो कैसे देखेंगे, क्या सुनेंगे, बस ऐसे नहीं देख सकते, नहीं हाथ नहीं रख सकते। हाँ न्यूज़, हाँ न्यूज़ लगा देते हैं, पर्दा अभी उस साइड के पेशेंट आएंगे तो उनके लिए है। ठीक है। अच्छा ये खिचड़ी थी, अभी कितने बजे हैं, टाइम क्या हो गया है, 9 बजे, 9 बजे खा लीजिएगा एक बार, खिचड़ी जल्दी डाइजेस्ट होती है। हाँ और कल वाले टेस्ट का कंफर्म कर लेना है यार एक बार। अब
एक मिनट, पहले नीचे कर दो। हाँ, उसको नीचे कर, मैं इधर ये करती हूँ। ठीक हो गया? नहीं, और करो। बस बस बस, नहीं इससे ज्यादा जाएगा। ठीक है, बस। हाँ, अब सो जाइए। बच्चे अभी घर पे हैं, बच्चे और ये, इनका ऑफिस काम था, बच्चों के एग्जाम करने, तो घर में थे। हम वहीं यहाँ हैं, और दो का होना जरूरी भी है, क्योंकि अल्टरनेट क्या होता है ना, अभी जो सर्जरी के बाद दो लोगों की जरूरत है कि आगे पीछे है ना, है ना। अगर कोई एक यहाँ वेट करेगा तब ना कोई बाहर निकल पाएगा। अभी जो प्रोसीजर है ना, उसमें तो किसी दो का रहना जरूरी, और रात में भी जगना पड़ेगा। अभी कैथेटर लगा हुआ है, तो जैसे अल्टरनेट हमें जगना पड़ेगा कि कब बंद हो रहा है, कब नहीं बंद हो रहा। और सिस्टर्स की ड्यूटी रहती है, तो वो कितना करेंगी। और यहाँ की ऐसी वाइब है ना, मैं आपको बताऊँ, पहले हमें उस साइड का पोर्शन मिला हुआ था जो कि काफी बोरिंग था। फिर ऐसा लग रहा था कि हम सब पेशेंट हैं। ये पोर्शन था, है ना। यहाँ तो केवल सिंगल पर्सन ही सो सकता है, बाकी एक एरिया है डोमेट्री एरिया, जहाँ हम जाके सोते हैं। तो ये था पहले, ये वाला एरिया था। फिर इसके बाद हमें जो मिला है, हमने ये एरिया ले लिया, जहाँ फील ही नहीं हो रहा है कि हॉस्पिटल में है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। रात में इसका व्यू और सुंदर हो जाता है, जब लाइट्स ऑन हो जाती हैं, और साथ में वो जो लेक है उधर साइड, वो सामने दिख रहा होगा लेक, मतलब इतना प्यारा नजारा। तो गाइस, ये है मेरा मंगलसूत्र जो हॉस्पिटल वालों ने, बंसल सूत्र जो हमें हॉस्पिटल वालों ने प्रोवाइड किया। इसके बिना मुझे बंसल में एंट्री नहीं मिलती। इसको देखना चाहिए ना। तो उसको हम किधर से देखेंगे? उधर से जा करके इसको हटा करके कुछ करना पड़ेगा ना। ऐसा दृश्य तो है नहीं कि देखने लायक है। देखने लायक है ना, तभी तो यही सब तो कर रही हूँ। देखो, हम अटेंडर ही खराब है। हम सोएंगे, हम खाएंगे, यही देखने के लिए तो आई। नहीं, मैं तो सोने आई हूँ ना नानु। कैसा फील हो रहा है? देखना ही पड़ेगा कैसा फील हो रहा है। कई लोग आपको फोन, जो लोग फोन लगा रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसे हैं, तबीयत का, तो क्या बोलना चाहेंगे? सबको, सबका आशीर्वाद लेना चाहूंगा कि जल्दी से मैं, मामी का भी आशीर्वाद लेंगे। ब्लेसिंग सबकी रहती है। आशीर्वाद नहीं, वो आशीर्वाद, मैंने आशीर्वाद पूछा। आशीर्वाद छोटे भी देते हैं, बड़े भी देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। गेट वेल सून जल्दी बोलते हैं सब। स्पेलिंग बताओ गेट वेल सून की। ये सारी से चीज पूछोगी मुझसे तो गेट वेल सून की स्पेलिंग जो कमेंट में लिख देंगे। बाकी और बताइए पापा। बहुत सारे कमेंट आए अपने पास। सेलिब्रिटी आदमी हो आप, हम सबके रीत से बहुत बाहर है। अच्छा लग रहा है ना, रिलैक्स है। पर माही अगला कोई प्रोसीजर नहीं करवा देगी कल तो? ठीक नहीं, अभी एक साथ नहीं कराएंगे, थोड़ा सा सारा एक साथ नहीं कराएंगे। कल वो एंडोस्कोपी होना है। डोंट वरी, हाँ वो करके बाकी अभी डिले कर देंगे, बाकी डिले कर देंगे। ऐसा एक साथ कराएंगे ना तो बॉडी क्या रहेगी ना, फिर बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी। डॉक्टर से बीमारी नहीं छुपानी चाहिए। हाँ, भगवान ही डॉक्टर से, ये अब ये बकवास नहीं पता, अब सेकंड कौन रहता है, कुछ कहावत है, पर डॉक्टर से बीमारी नहीं छुपानी चाहिए। ये है कि पापा को आज जो भी ट्रीटमेंट हुआ है, वो उससे काफ़ी रिलैक्स हुआ है। मतलब मेंटली देखा जाए तो ये बहुत रिलैक्स है आज। टेंशन नहीं, रिलैक्स थी, टेंशन था, थोड़ा सा अंदर से टेंशन। हाँ, आज थोड़ा सा उनको सुकून लग रहा है कि अब मुझे बहुत जल्द आराम मिल जाएगा, और ऐसा होगा भी। पेशेंट हमें कह रहा है कि मैं तो ठीक हूँ, तुम लोग जाओ घूमाओ, खा के आओ। हाँ, अरे पेशेंट ही डॉक्टर आके बेचारे बोल रहे कि थोड़ा सा पेशेंट जैसे रहो, पर ये अच्छी बात है। आप अगर खुद को बीमार फील करोगे तो वो दिक्कत होती है, तो यहाँ हम अच्छा फील करा भी रहे हैं, है ना पापा? हो रहा है, होता है, जाने नहीं दे रहे। अच्छा। सबसे ज्यादा विलन तो मैं बनी हुई हूँ उनके लिए। और लड़ाई भी हो चुकी है अभी, माही की और नाना की लड़ाई हुई। आप सुने हो ना, कौन लड़ाई, आप नहीं सुने? लड़ाई की प्रूफ आप नहीं हो, आप नहीं थे। वो जो आई थी क्लीनिंग के लिए आई थी, वो बोली लड़का रहे हो। मैंने आपसे बॉटल पूछा था कि लड़ाई के लिए कोई इंजेक्शन। नर्सें बहुत अच्छी हैं, बहुत यहाँ, मतलब ऐसा है कि नहीं रियली है। खूब सारी ब्लेसिंग दीजिए कि जल्दी से पापा ठीक हो जाए, और ठीक भी है, अच्छा होगा। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है पापा? बाय कर लो अभी पापा को। अभी क्या बोल रही मम्मी, फिर से बोल रहे बुढ़ाऊ बुढ़ाऊ अच्छा तो तू अभी शहर में हो, तो शहर में बुढ़ाऊ को क्या बोलेंगे? नानू चलेगा, नानू चलेगा, चलेगा नानू गाइस।
लोग ये सब माइंड नहीं करिएगा कि हम लोग इतना हंस रहे थे। हंस इसलिए रहते हैं क्योंकि नानू भी यही चाहते हैं कि हम लोग हंसते हुए ब्लॉग बनाएं। नानू खुद हंसा रहे हैं और वो खुद हंसा रहे हैं, वो खुद ऐसे हुए हैं, नानू खुद हंसा रहे और हंसना ही इम्पोर्टेंट है। तो अब हमने वो वाइब बना रखी कि बस ठीक है, आए छोटे सा, मतलब कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी लाइफ है, चीजें आती रहती हैं और उसमें रोने गाने से कुछ नहीं होता। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, पापा को है बीपी प्रॉब्लम है तो वो बहुत जल्दी एकदम प्रेशर में आ जाता है। तो ऐसा हमने इतना प्रिपेयर कर दिया ना कि वो सर्जरी इजली करवा भी दिए और आने के बाद से तो वो और बहुत ही कहे तो एक हैप्पी, एक कॉन्फिडेंट है, तो वो चीज अच्छी लग रही है, इसलिए हमने एक अलग वाइब यहाँ क्रिएट कर रखी है। और बीच बीच हमारी कंपनी नर्सें भी आके जानबूझ के ज्वाइन कर रही है। यो पापा, ये पेशेंट है, देख लो। फिर आप कहते हो कि हम हंसते हैं। मोबाइल चलाना मना है, बिस्किट खाना मना है, टोस्ट खाना मना है, तमाकू नहीं मिलेगी। सेंसर कट कट। तमाकू ना, ठीक है, तमाकू खाते हैं, हम नहीं दिए तमाकू, नहीं दिए कल से नहीं दिए। चलिए हम लोग रखते हैं इस व्लॉग को यहीं पे, खत्म करते हैं और मिलते हैं जल्दी नए अपडेट के साथ। और जल्दी ही मिलेंगे घर में, पापा भी जाएंगे घर वहाँ से, और अभी बाकी ट्रीटमेंट बाकी हैं, कई सारे हैं अभी, कई हाँ, चीजें दिखा तो कई सारी चीजें, टेस्ट काफी साथ ज्यादा है, तो अभी यही नहीं कह सकते कि हम कितनी जल्दी यहाँ से हम क्या ब्लॉग पे भी आ पाएंगे, कितनी जल्दी हम यहाँ से हम घर जाएंगे, कोई डिसाइड नहीं। ब्लॉग में अपडेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे क्योंकि अप डाउन चलता रहेगा, वहाँ से अप डाउन करना अल्टरनेट हो रहा है। अभी तीन चार दिन हम सबको भी थोड़ा सा प्रेशर था माइंड पे, तो ब्लॉगिंग नहीं कर पाए, जब रिलैक्स हो पाया तो फिर हमें लगा कि नहीं अब ठीक है, हमें नहीं लगा, पापा उन्हें लगा उन्होंने हमें फोर्स किया, नहीं बनता हाँ, ब्लॉग बनाओ ब्लॉग बनाओ, इतने लोग फोन लगा रहे हैं और जैसे जैसे गांव है, गांव बड़ा रहता है, लोगों को जैसे जैसे जानकारी होती है मिल भी जाती है बहुत जल्दी, तो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं लोग तो जल्दी पता चलता है, इसलिए पापा अभी फोन में लगे हैं। इसलिए पापा बोले कि एक ब्लॉग बनाओ तो लोग ब्लॉग के थ्रू अपडेट मिल जाए। तो चलिए आप सब अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।